हाय एवरीवन, मैं सरबजीत और एक बार फिर से आपके साथ आज हम सीखेंगे पास्ट इंडेफिनेट टेंस इन एक्टिव वे और इसका जो दूसरा नाम है सिंपल पास्ट टेंस। पहचान कर लेते हैं, इस टेंस की पहचान रहेगी लास्ट में ता थी, ती थी, ते थे, ये वर्ड्स होंगे या फिर आ, ई, ए, इसकी साउंड पे आपका सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। फॉर्मूलाज की तरफ चलते हैं। फॉर नेगेटिव देयर आर टू फॉर्मूलाज, फर्स्ट फॉर एक्टिव एंड सेकेंड फॉर पैसिव। नोट कीजिए, फॉर एक्टिव यू विल यूज सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नोट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्स्ट्रा पार्ट। एंड फॉर पैसिव यू विल यूज ऑब्जेक्ट प्लस वाज और वर प्लस नोट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट प्लस एक्स्ट्रा पार्ट। अपने सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करते हैं। देयर आर टू सेंटेंसेस। फर्स्ट इज, मैंने अपना होमवर्क कंप्लीट नहीं किया था। फाइव स्टेप्स को फॉलो करते हैं। फर्स्ट इज वर्ब। जी हाँ, वर्ब को फाइंड करना है। वर्ब क्या है? कंप्लीट करना इसमें वर्ब है। हमने वर्ब को फाइंड कर लिया। सेकेंड स्टेप की तरफ चलते हैं। सेकेंड है टू फाइंड द सब्जेक्ट। दे आर टू क्वेश्चन, कौन और किसने। एक क्वेश्चन इसमें से हमने वर्ब को पुट करना है। जी हाँ, क्वेश्चन वर्ब को पुट करते हैं। किसने कंप्लीट नहीं किया है? आंसर आता है मैंने। तो इस वजह से हमने सब्जेक्ट को फाइंड किया। नेक्स्ट मूव करते हैं थर्ड स्टेप की तरफ। थर्ड स्टेप है टू फाइंड द ऑब्जेक्ट। इसके लिए क्वेश्चन पुट करेंगे वर्ब को, किसको। जी हाँ, वर्ब को क्वेश्चन पुट करते हैं, किसको कंप्लीट नहीं किया है। आंसर आता है अपने होमवर्क को। इस वजह से हमने ऑब्जेक्ट को फाइंड कर लिया। नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। नेक्स्ट है एक्टिव है या पैसिव। जी हाँ, ये सेंटेंस एक्टिव है या पैसिव कैसे पता चलेगा? जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट मिसिंग हो या फिर सब्जेक्ट के साथ दोबारा वर्ड आ जाए वो पैसिव होता है, बाकी जो सेंटेंस है वो एक्टिव होते हैं। तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, तो ये सेंटेंस एक्टिव है, पैसिव नहीं। तो हम एक्टिव का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। एक्टिव का फॉर्मूला है सब्जेक्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट, स्टार्ट करते हैं सब्जेक्ट के साथ। सब्जेक्ट है मैंने, इट मीन्स आई। नेक्स्ट मूव करते हैं डिड, आई डिड। नेक्स्ट नोट, आई डिड नोट। नेक्स्ट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब कंप्लीट की फर्स्ट फॉर्म कंप्लीट। नेक्स्ट ऑब्जेक्ट। जी हाँ, ऑब्जेक्ट है अपना होमवर्क, इट मीन्स माई होमवर्क। अगर हम फॉर्मूला की तरफ देखें तो नेक्स्ट है एक्स्ट्रा पार्ट, लेकिन इस सेंटेंस में एक्स्ट्रा पार्ट नहीं है। तो इस वजह से इस सेंटेंस को हमने कंप्लीट कर लिया है। सेंटेंस है आई डिड नॉट कंप्लीट माई वर्क। नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट है गार्डन से फूल नहीं तोड़े जाते थे। उन्हें फाइव स्टेप्स के साथ करेंगे। फर्स्ट है वर्ब, वर्ब को फाइंड करना है। यहाँ पे तोड़ना वर्ब है। सेकेंड स्टेप है टू फाइंड द सब्जेक्ट। क्वेश्चन पुट करेंगे कौन या किसने। किसने तोड़े, वर्ब को क्वेश्चन पुट किया, कोई आंसर नहीं आया, इट मीन्स इसमें सब्जेक्ट मिसिंग है। नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं टू फाइंड द ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन पुट करेंगे किसको, वर्ब को क्वेश्चन पुट करते हैं, किसको तोड़ा। आंसर क्या आता है? फूल को या फूलों को। इस वजह से हमने ऑब्जेक्ट को फाइंड कर लिया। नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है एक्टिव है या पैसिव। जी हाँ, ये सेंटेंस एक्टिव है या पैसिव, इसमें सब्जेक्ट मिसिंग है, और जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट मिसिंग होता है वो पैसिव होता है। नेक्स्ट जो स्टेप है, लास्ट वन इज टेंस कौन सा है। तो लास्ट में ते थे वर्ड आपको पहचान करवा रहे हैं कि हम पास्ट इंडेफिनेट टेंस की बात कर रहे हैं। तो हमने फाइव स्टेप्स को फॉलो कर लिया। इसके बाद भी हमारे पास यहाँ कुछ वर्ड्स पेंडिंग है। गार्डन से, गार्डन से यहाँ पे एक्स्ट्रा पार्ट है, क्योंकि मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया कि जो वर्ड्स से, में और पर के साथ आते हैं वो एक्स्ट्रा पार्ट होता है। तो हमने इस तरह से हर वर्ड को मेंशन कर दिया। अब हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे पैसिव का। जो सब्जेक्ट मिसिंग है तो पैसिव का फॉर्मूला,
First of all, object. Object है फूल. It means flowers. Was or were. For singular, you will use was, and for plural, you will use were. So we will use were. Next, not. जी हाँ, नेगेटिव के लिए not. Then third form of verb, तोड़ना. It means pluck. Or third form, plucked. Next, by subject. इसमें subject missing है तो हम by का use भी नहीं करेंगे. तो नेक्स्ट मूव करते हैं एक्स्ट्रा पार्ट. एक्स्ट्रा पार्ट है गार्डन से. इट मींस फ्रॉम द गार्डन. सेंटेंस कंप्लीट हो गया है और सेंटेंस है फ्लावर्स वर नॉट प्लक्ड फ्रॉम द गार्डन. तो इस वजह से इजिली हमने दोनों सेंटेंस को कंप्लीट कर लिया है. तो ये सिंपल सी ट्रिक है. अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हो तो इन वीडियोज को जरूर देखना. इन वीडियोज के जरिए आप घर बैठे ही इंग्लिश सीख सकते हो. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.